अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है टैक्स रिजीम्स, टैक्स सिस्टम और टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। दरअसल टैक्स रिजीम्स ऐसे तरीक़ेकार हैं कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्सेबल इनकम के बारे में इस बात का तयन कर लेते हैं कि इस इनकम पर किस तरीक़ेकार से और कितना टैक्स चार्ज होगा। अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के मुख्तलिफ तरीक़ेकार को टैक्स रिजीम्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले नॉर्मल टैक्स रिजीम्स आती है। इस टैक्स रिजीम के मुताबिक एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें फाइनेंशियल ईयर के मुकम्मल हो जाने पर ग्रॉस इनकम में से जो जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अलाउ हैं, इनको लेस करने से जो नेट इनकम बच जाती है, इस पर करंट फाइनेंशियल ईयर के टैक्स रेट्स के मुताबिक टैक्स अदा किया जाता है। इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम्स कहा जाता है। नॉर्मल टैक्स रिजीम्स में सैलरी टैक्सेशन, बिजनेस टैक्सेशन और इसी तरह दीगर हेड ऑफ इनकम्स में से कुछ कुछ इनकम निकलकर नॉर्मल टैक्स रिजीम्स में शामिल हो जाती हैं। मसलन एक शख्स की सालाना सैलरी 20 लाख रुपए है और वो पार्ट टाइम एक छोटा कारोबार भी करता है। अब इस कारोबार के एक्सपेंस वगैरह निकाल कर नेट इनकम अगर 10 लाख रुपए बनती है तो बिजनेस इनकम को सैलरी इनकम के साथ प्लस करने से कुल इनकम 30 लाख रुपए बन जाएगी। इसकी ये 30 लाख रुपए इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम कंसिडर की जाएगी, लिहाजा इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम्स कहा जाएगा। इसके बाद अगली रिजीम है फाइनल टैक्स रिजीम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कुछ ऐसी सोर्सेज होती हैं जिन पर अदायगी या वसूलगी के वक्त तयशुदा टैक्स रेट के मुताबिक टैक्स डिडक्ट किया जाता है। यानी टैक्स डिडक्टेड इट्स सोर्स या टैक्स कलेक्टेड इट्स सोर्स का तरीक़ेकार अपनाते हुए टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया जाता है, जो कि फाइनल एंड फिक्स टैक्स होता है जिसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इन कलेक्शंस या डिडक्शंस की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 169 के तहत फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन की जाती है। इसको फाइनल टैक्स रिजीम कहा जाता है। इसकी मिसाल टैक्स ऑन सर्विसेज, यानी अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो आपकी ग्रॉस इनकम पर फाइनल एंड फिक्स टैक्स 10% लाजमी लगेगा। इसी तरह अगर आपको कहीं से प्रॉफिट आया है या आपका प्राइस बॉन्ड वगैरह निकला है तो भी आपको टैक्स रेट के मुताबिक फाइनल एंड फिक्स टैक्स ग्रॉस अमाउंट पर लाजमी अदा करना होगा, जिसमें फाइलर्स के लिए सिंगल टैक्स जबकि नॉन फाइलर्स के लिए डबल टैक्स होता है। इसके बाद जो तीसरी रिजीम है वो मिनिमम टैक्स रिजीम है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कुछ ऐसी इनकम्स जिन पर एक खास परसेंटेज के हिसाब से टैक्स अप्लाई होगा। अब अगर आपने जो टैक्स जमा करवाया है ओवरऑल टैक्स इससे ज्यादा बनता है तो आपको वो एडिशनल टैक्स अदा करना होगा, लेकिन अगर आपका ओवरऑल टैक्स इस टैक्स रेट से कम बनता है तो आपका टैक्स मिनिमम टैक्स के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, लिहाजा मजीद टैक्स आपको अदा ना करना होगा। मसलन आपके कारोबार का एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है और इस पर आपने मिनिमम टैक्स 1% यानी 1 लाख रुपए अदा किया है। मजीद अगर आपकी सर्विसेज पर कोई इनकम है तो 10% के हिसाब से मुतलका अदारे ने टैक्स की कटौती कर ली, और इसके अलावा अगर आपने बिजली के बिल की मद में कुछ एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रखा है और वो बिजली का मीटर आपके नाम है, इस सूरत में देखा ये जाएगा कि आपका एक्चुअल टैक्स फाइनल कैलकुलेशंस पर कितना बनता है। अगर वो एक्चुअल टैक्स मसलन 75,000 रुपए बनता है तो आपको मजीद टैक्स अदा करने की ज़रूरत ना है, क्योंकि आपने मिनिमम टैक्स 1% 1 लाख रुपए ऑलरेडी अदा किए हुए हैं। लेकिन अगर 2 लाख रुपए
एक्चुअल टैक्स बनता है तो देखा ये जाएगा कि आपके पास विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स की मद में कितनी अमाउंट्स ऐसी हैं जो आप टैक्स की मद में अदा कर चुके हैं। तो वो अदाशुदा टैक्स और मिनिमम टैक्स को कैलकुलेट करके देखा ये जाएगा कि आया वो 2 लाख से कम अमाउंट बनती है या 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट बनती है। अगर वो 2 लाख से कम अमाउंट बनती है तो जो बकिया अमाउंट होगी वो टैक्स आपको अदा करना होगा, और अगर वो अमाउंट 2 लाख पूरी हो गई तो फिर आपको टैक्स का अदा करने की ज़रूरत ना होगी। टैक्सेशन का ये तरीक़ाकार मिनिमम टैक्स रिजीम कहलाता है। नंबर 4 पे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसी हैं जिनको सेपरेट तौर पर देखते हुए टैक्स चार्ज किया जाता है या टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाता है। पाकिस्तान में बाज़ जगह इसको रजीम तसव्वुर किया जाता है जबकि बाज़ जगह इसको रजीम नहीं माना जाता। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को समझाने के लिए एक मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक शख्स की सालाना सैलरी 20 लाख रुपए है, इसके साथ वो छोटा सा कारोबार भी कर रहा है, मसलन इसकी नेट इनकम सालाना 10 लाख रुपए हुई, यानी फाइनेंशियल ईयर की टैक्सेबल इनकम कुल 30 लाख रुपए हुई। इसके अलावा इस शख्स के पास एक घर है जिसको इसने किराए पर लगाया हुआ है, लिहाजा इसकी रेंटल इनकम यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की मद में भी आमदन आती है। अब ये जो प्रॉपर्टी की इनकम है इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अलग नज़र से देखा जाएगा कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर के टैक्स स्लैब्स के मुताबिक टैक्सेबल इनकम बनती भी है या नहीं। इसको सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम के साथ जमा नहीं किया जाएगा, इसको हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं। इसके अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम और कैपिटल गेंस वगैरह भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम तसव्वुर होंगी। यानी इसका मतलब सैलरी इनकम प्लस बिजनेस इनकम कुल 30 लाख रुपए पर नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा, जबकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अप्लाई होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हायर रेट ऑफ टैक्सेशन से वो शख्स बच जाएगा। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर टैक्स बनता हुआ तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर के टैक्स रेट्स के मुताबिक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर टैक्स अदा करेगा, अगर नहीं बनता हुआ तो नहीं अदा करेगा। लेकिन अगर मिनिमम टैक्स रिजीम का कंसेप्ट ना होता तो उसे सैलरी इनकम प्लस बिजनेस इनकम के साथ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को भी उसी रेट के मुताबिक टैक्स अदा करना पड़ता। उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था टैक्स रिजीम्स, टैक्स सिस्टम, टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, इसका कंसेप्ट आप सब लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इनकम टैक्स से मुतल्लिक वीडियोस को देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या इनकम टैक्स सर्विसेज आपको चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सिंपल मैसेज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अपना नाम, अपना सिटी और अपना मैसेज टाइप करके मुझे व्हाट्सएप और मैसेज सेंड कर देना है, बाद में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। शुक्रिया।